रजौली धान उत्पाद के क्षेत्र में नवादा जिला के रजौली प्रखंड के किसानों में उर्वरक खरीदने को लेकर आने का इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच आज रजौली पहुंचा खाद किसानों की मांगों को देखते हुए 1400 बोर उर्वरक उपलब्ध करवाई गई है। यूरिया आने की सूचना बाद बिस्कोमान कृषि सेवा केंद्र रजौली में खाद पहुंचते ही किसानों की काफी भीड़ उमड़ी। फलत शांति पूर्वक वितरण के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। उर्वरक का वितरण सोमवार से शुरू कर दी गई है। बताया कि 1400 बैग इफको यूरिया बिस्कोमान को उपलब्ध कराई गई है, जिसका वितरण संभव एडवाइस कटने के बाद सोमवार से वितरण किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मात्र 357 लोगों के बीच ही खाद वितरण किया जा सका। बता दें कि एक माह पहले धान रोपनी समाप्त होने के बाद अपनी फसलों में यूरिया डालने के लिए किसान परेशान है, जिसके लिए प्रतीक्षा है। पहले 3 सप्ताह से भी अधिक समय में रजौली क्षेत्र में यूरिया की कमी है। फिलहाल जो यूरिया उपलब्ध करवाया गया है वह आवश्यकता के अनुसार उनके मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर। बताइए, आप लोग यहाँ बिस्कोमान भवन में खाद के लिए आए हैं, तो आप लोग के क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी तो किसान लोग से आप एक बार इधर घुमा के देखिए, और ये तो बहुत कम भीड़ है। अभी लगभग 2 बजे से लेके कम से कम 500 किसान यहाँ से घूम गए हैं। अब घूम गए, समस्या यह है कि अभी यहाँ के जो अमित जी हैं बिस्कोमान के, वो अभी हम लोग सामने देखे भी मशीन का तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अभी जितना किसान हम लोग परेशान हुए हैं। इसका कुछ सरकार नया सुविधा निकालता कि आधार कार्ड जमा करके और हर किसान को आधार कार्ड पर ही दे दिया जाता है, और ये जो मशीन का अब क्या है प्रॉब्लम हम लोग तो देखते नहीं है, और इसमें क्या है कि मशीनी का अब हम लोग देखते नहीं है। किसान लोग अब क्या है, बिचौलिया लोग क्या कहती है कि इसमें कुछ मिली भगत है, या किसान का परेशानी को समझ नहीं रहे इन लोग किसान का परेशानी समझते हैं। मशीन तो हम लोग देख नहीं रहे, सर्वर डाउन करके हम लोग को इस तरह का परेशान किया जा रहा है। आप बताइए, अभी बोला गया है कि 4 बजे सवेरे से कल लाइन लगा दीजिए, तब आप लोग को किसान को मिलेगा खाद, और नहीं तो फिर आगे फिर आप लोग समझ लेंगे। परेशानी किसान का है, इसको सरकार को गंभीर पूर्वक लेना चाहिए सब बातें को, और इस पर जो है किसान को इतना महामारी हो रहा है, सरकार कह रही कि हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं, इतना खाद स्तर पर अगर आप इसको देखते हैं तो सब फेल है। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, चिंता का विषय है, इसको देखिए, और इस पर आप लोग भी पत्र मीडिया बंधु से मैं अति करूंगा गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इसके पर थोड़ा सा अति करें, कार्रवाई करवाएं, सरकार का ध्यान इस पर किसान के लिए सोचे। कै बजे आए थे आप? 6 बजे खाद मिला है? खाद मिला? क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सुनाई हो रहा, सुनाई नहीं हो रहा। क्या बताया जा रहा है? परेशानी बताई, परेशानी क्या परेशानी हुआ? परेशानी कहने का मतलब ये था कि हर किसान को अभी जरूरत है खाद की, रहा था और खाद मिलने के घर पे टाइम खत्म हो गया, इसके वजह से स्थगित कर दिया गया है, और फिर से कल दोबारा लाइन लगाने के लिए बोला गया है। ठीक है, कितने बजे आप आए थे? हम आए थे 7 बजे सुबह में। फिर भी आपका लाइन पीछे जी था? नहीं, पीछे था, मतलब हमसे भी जिनको ज्यादा जरूरत है वो 4 बजे से आके लाइन लगा देते हैं, हम भी कल आके 4 बजे ही लगा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हर किसी को जरूरत है, हर कोई आके लाइन लगा हुआ था, हमें नहीं कहेंगे कि हम पर्सनली आए। लाइन के लिए सुविधा भी नहीं है ना, जैसे अगर हम लाइन में लगे हुए हैं, अगर हम लाइन में लगे हुए हैं तो मेरे लिए कम से कम जैसे सुबह से 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, तो 6 बजे के बाद हमको उसके बाद 10 बजे से खाद बटना शुरू हुआ, उस बीच में हम लोग खड़े हुए, फिर बाद में प्रशासन आए, मतलब ठेल ढकेल, किसी को डंडा भी लगा, हमारे कहाँ गए, हमारे साथ का भी बहुत आदमी को डंडा लगा, उसके बाद जो हम लोग लाइन में खड़ा है, आगे वाले पीछे वाले आगे इधर उधर हो गए, बाकी अपना जो जिसको मौका मिला लेकर निकला, किसी और को हम लोग तो अपना पड़े हुए हैं, जिसका लाठी उसका भैंस। हाँ वही जी, पीछे से आ रहा, अंदर घुस रहा, निकल रहा है, जिनका सोर्स है।